सभी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से समझ लीजिएगा वरना मोटा लॉस हो सकता है। अपडेट यह है कि अभी से पहले क्या होता था, सपोज करते हैं आपने स्टॉक ऑप्शन में काम किया, आपका ऑप्शन इन दी मनी हो गया 3 स्ट्राइक प्राइस, उसके बावजूद भी आपके पास रहता था डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन, आपका ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता था, जितना भी आपका लॉस या प्रॉफिट है वो कैश में सेटल हो जाता था। पर अभी के बाद आने वाले समय में आपका ये ऐसा नहीं होगा, आपको डिलीवरी देनी या फिर लेनी पड़ेगी। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपका ऑप्शन इन दी मनी हो जाता है तो आपको एक बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अभी से पहले क्या होता था, हम ये सोचते थे कि चलो हमने ऑप्शन बाय किया, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मार्जिन में काम कर लिया। पर अब इस नए रूल के बाद आपको पूरी डिलीवरी लेनी या फिर देनी पड़ेगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इतना सा है कि अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में काम करते हैं तो टाइम से पहले लिक्विडिटी का ध्यान रखते हुए क्लोज कर लीजिएगा, अगर क्लोज नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आप एक ऐसे ऑप्शन में काम कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन जो बहुत इलिक्विड है, एक हफ्ते पहले या 5-7 दिन पहले ही उसको क्लोज कर दीजिएगा। अगर आपका लिक्विड ऑप्शन है उसके बावजूद भी मेक श्योर कीजिएगा कि जिस दिन एक्सपायरी है एक्सपायरी के फर्स्ट हाफ में आप क्लोज कर दें, क्योंकि कई बार आखिरी के सेकेंड हाफ में कुछ वायलेंट मूव आ जाते हैं, हम मैनेज नहीं कर पाते और बहुत दिक्कत आती है। ध्यान से करिएगा आने वाले समय में स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड, वरना दिक्कत आपको आ सकती है। अब चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट पार्ट पर और डिस्कस करते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशंस। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए ईयर एंड आ रहा है, ईयर एंड पे मैंने लास्ट ईयर भी आपके लिए बहुत बम्पर सेल निकाली थी जो पिछले साल की सबसे बड़ी सेल थी, ऐसा ही कुछ हमारा इस साल करने का भी मन है। आपको मिलने वाला है फ्लैट 31% का डिस्काउंट 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज के ऊपर। सबसे पहले 12 मंथ एडवांस लर्नर्स कोर्स, 12 मंथ प्रीमियम लर्नर्स कोर्स, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैच है जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं, यूज करना मत भूलिएगा। एंड फाइनली जो 7 स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का कोर्स है, जस्ट बिकॉज लास्ट टाइम काफी सारे लोग इसे इनरोल करना रह गए थे, इस कोर्स को भी मैंने इसी कंप्लीट डिस्काउंट में इनरोल कर लिया है। इन 4 कोर्सेज में आपको फ्लैट 31% का डिस्काउंट मिलने वाला है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट कम बेसिस पे मोबाइल ऐप पे जाके अगर आप कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ये ऑफर मिलेगा। जरूरत लगे तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले FIs और DIs के एक्शन चेकआउट कर लेते हैं। 22nd March को दोनों ने बहुत छोटी परचेज करी थी, मेजर फिगर नहीं है। DIs ने 383 करोड़ की परचेज और FIs ने 61 करोड़ की परचेज करी थी। पुट कॉल रेशियो अभी 0.85 के आसपास चल रहा है, कंफर्टेबल है, और अगर हम बात करें विक्स की तो वो भी कंफर्टेबल है। अब हम सबसे पहले समझ लेते कि आज मार्केट में हुआ क्या। आज के दिन हमारे लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि पहले 15 मिनट की 2 कैंडल पे हमें वेट करना है, जिस भी साइड का लो या हाई ब्रेक होगा वहां पे हमें एंट्री मिल जाएगी। हमें यहां पे पॉजिटिव साइड में एंट्री मिली और आराम से हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे मिल चुका था। ये आप देखिए क्या प्यारा काम हुआ। अगर आप ये 15 मिनट के अलावा कुछ भी काम करते आप फंस जाते। और वैसे भी हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट या शॉर्ट की बात करी थी 17,050 के नीचे और रेजिस्टेंस की बात करी थी 17,200 के पास। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी को फॉलो किया, मार्केट वॉज वेरी काइंड। एक बार ना मैं आपकी रेफरेंस लिए बता रहा हूं, यहां पे हमने 15 मिनट की 2 कैंडल चूज करी थी, इसके अलावा आप कुछ भी चूज करिएगा आपको लॉस ही हो जाएगा। और अगर उसके बाद अगर हम जाते हैं एक बार बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया था वैसा ही कुछ होता हुआ मिला। यहां पे आपको सीधा पहले 2 15 मिनट की कैंडल छोड़िए हाई ब्रेक हुआ, 1:2.5 का बहुत ही प्यारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला और एग्जैक्टली 40,200 जो रेजिस्टेंस था वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो आई होप आपको आज के दिन की ट्रेड में बहुत मजा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। इवन अगर हम बात करें ना, हमारी जो स्ट्रैटेजी है 10 ईयर में वो क्या परफेक्टली अप्लाई हुई है, ये आप यहाँ पे चेकआउट करिए। आप में से काफी लोगों ने यूज भी करी है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेजा था, मुझे बड़ा मजा आया। ये आपकी 5 EMA की स्ट्रैटेजी अप्लाई हुई है, 1:10 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दोनों में मिल चुका था। आई होप आपको मजा आया होगा। अब हम सीधा चलते हैं कल के एनालिसिस के ऊपर। कल के लिए एनालिसिस बहुत सिंपल है। देखिए अगर हम ओवरऑल बात करें ना, इवेंट के बाद भी मार्केट ने एक डोजी सी बना के हमें क्लोज कर दिया है, मतलब ये कि मार्केट ने काइंड ऑफ अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया है। हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करके एक बार चाहे तो मार्केट अपने नीचे के लेवल पर रिटेस्ट कर दे, उसके बाद एक बड़े मूव के लिए मार्केट रेडी हो सकता है। अब अगर कल के लिए बात करें, अगर प्योरली फॉर इंट्राडे बेसिस हमें शॉर्ट करना है तो 17,050 के नीचे शॉर्ट बनता है। 17,050 के नीचे की एटलीस्ट हमें 15 मिनट की 1 कैंडल नीचे की क्लोज मिलनी चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे शॉर्ट प्लान किया जा सकता है। और अगर हमें यहाँ पे हल्का सा भी रिवर्सल मिले, मतलब 15 मिनट की कैंडल सपोज करते हैं आपको यहाँ पे बन गई है कैसी, और अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है, सपोज करते 17,080 का लेवल ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बहुत इमीडिएटली पॉजिटिव कैंडल भी मिल सकती है।
कल हो सकता है कि इवन दो कल फ्राइडे है, एक हमें बहुत प्यारी सी डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाए 150 से 200 पॉइंट की निफ्टी में, तो उसका ध्यान रखेगा। इन द सेम वे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट जेंचर पे है, 39,800। अब ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक बार मार्केट में 39,800 को क्रॉस करके ये बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो आपको एक बहुत प्यारी सी पॉजिटिव ट्रेड मिल सकती है, एटलीस्ट 300 से 350 पॉइंट की उसके ऊपर नजर रहेगी। अब अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फाइनल सपोर्ट होने वाला है इंट्राडे बेसिस के लिए 39,400 का। अगर मार्केट 39,700 के आसपास जाके कुछ रिवर्सल के साइन देता है तो यहां पे हमें एक इंट्राडे के लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है, तो कल हमें ट्रेड मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, ध्यान रखिएगा मार्केट में। और 10 EMA की स्ट्रेटेजी को कल के दिन एटलीस्ट अपने चार्ट पे लगा के रखिएगा, काफी हाई चांस है कि वहां पे आपको कुछ मिल जाए। अब बात कर लेते हैं OFS की। देखिए HAL ने वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बना रखे थे पर अब इसमें आ चुका है एक OFS। जब भी किसी भी स्टॉक में OFS आता है ऑब्वियसली वो स्टॉक टूटेगा। OFS आया है हमें 2450 से लेके रफली आप कह सकते हो 2400 के लेवल के आसपास का OFS हमें देखने को मिला है, तो यहां से हमें 30-40 पॉइंट का और मूव मिल सकता है। मुद्दे की बात यह है कि यहां पे हमारी OFS की स्ट्रेटेजी परफेक्टली अप्लाई होगी। 2450 है हमारे OFS का लेवल और बाय चांस कभी भी हमें ये स्टॉक 2400 के आसपास मिलता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा यहां पे, क्योंकि 2450 पे आ रहा है OFS, यहां पे कहीं ना कहीं से डिमांड आने के चांसेस बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये हमारे एक टैक्टिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है। OFS के आसपास हम OFS को तो यूज करेंगे सही, पर उससे पहले भी अगर 2400 के नीचे कभी भी मिलता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी आ रहा है। वैसे स्ट्रेंथ वाला चार्ट है, इवन अगर आप वीकली कैंडल पे जाके देखेंगे ना एज सच चार्ट बहुत अच्छा है, बट बिकॉज ये OFS आ गया है थोड़ा सा ये स्टॉक प्रेशर में आ सकता है या आ चुका है, पर अभी भी इस चार्ट में कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है ये कंप्लीट स्टॉक, इसी की वजह से आई थिंक इसमें OFS आने की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा 2400 के लेवल को। नेक्स्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है हमारे सामने SBI। देखिए SBI में क्या है, सबसे पहले तो अब ये लेवल इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस होगा, 530 के ऊपर जाएगा तभी हम लॉन्ग की बात करेंगे। इमीडिएटली अगर ये चाहे तो एटलीस्ट 500 तक के लेवल को टच कर सकता है और 500 इसके लिए फाइनल डू एंड डाई सपोर्ट भी है, मेजर सपोर्ट है जो पहले भी इसने इसी लेवल के आसपास से बाउंस किया था, इस बार भी हमें इस लेवल के आसपास नोटिस रखना पड़ेगा। अगर बाउंस आना है इस स्टॉक में तो इसी लेवल के आसपास आना होगा और ये एक पुराना ब्रेकआउट का लेवल भी है, तो ये वेरी हाई चांसेस है कि इस लेवल के आसपास हमें थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई की जगह डिमांड आती हुई दिखे, तो 500 के आसपास का लेवल ध्यान में रहेगा। इंट्राडे पर्पस के लिए ये स्टॉक अभी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है तो हमें अकॉर्डिंगली इसमें ध्यान रखना जरूरी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। 31st का स्पेशल ऑफर चल रहा है ईयर एंड का, चाहो तो यूज कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।